हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सनराइज क्लासेस। लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लिए थे कि वैलेंसी कैसे निकालते हैं, और मैंने बोला था कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन पर हम आपको एक दो क्वेश्चन भी कराएंगे। और उस वीडियो में मैंने वैलेंसी का आपको एक ट्रिक भी बताया था। अगर आप लोग ना देखे हो तो प्रीवियस वीडियो में जाके उस ट्रिक को देख लें, ठीक है। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। फिर से मैं आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन बता दूं इस रिएक्शन का। तो मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन का जुड़ना हमारा ऑक्सीडेशन हो गया, और हाइड्रोजन का जुड़ना हमारा रिडक्शन हो गया, ठीक है। या फिर इसी को जस्ट अपोजिट करके लिख दें, तो ऑक्सीजन का निकलना हमारा रिडक्शन और हाइड्रोजन का हमारा निकलना ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जो हमारे इस बेसिकली सारे बुक्स में मिलेगा, या फिर अगर वीडियोस देखेंगे तो उसमें मिलेगा, उसमें यही मिलेगा कि अगर ऑक्सीजन जुड़ता है तो ऑक्सीडेशन होगा, हाइड्रोजन जुड़ता है तो रिडक्शन होगा, और अगर ऑक्सीजन निकला तो रिडक्शन होगा और हाइड्रोजन निकला तो ऑक्सीडेशन होगा। लेकिन मैं जो आपको बताऊंगा वो बताऊंगा कि एक चार्ज के ऊपर, मैं बताऊंगा आपको कि चार्ज के थ्रू कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। मैं जो आपको बताऊंगा इट इज टोटली बेस्ड अपॉन द चार्ज, ठीक है। इसी चार्ज को निकालने के लिए मैंने क्या कहा था आपको, वैलेंसी बोला था कि आपको निकालना आना चाहिए। और नेक्स्ट वीडियो मैंने वैलेंसी का भी ट्रिक आपको इसीलिए बता दिया था। अब देखिए जो मेरा फॉर्मूला कहता है चार्ज के थ्रू ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को कैलकुलेट करने का, वो ये कहता है भैया ऑयल रिग। O स्टैंड फॉर ऑक्सीडेशन, I स्टैंड फॉर इज, L स्टैंड फॉर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। R स्टैंड फॉर रिडक्शन, I स्टैंड फॉर इज, और G स्टैंड फॉर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मेरा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ऑक्सीडेशन उस एलिमेंट का होगा, उस सब्सटेंस का होगा जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा, और साथ ही साथ रिडक्शन उस एलिमेंट का होगा, उस सब्सटेंस का होगा जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा, ठीक है। या फिर अब आप देखो लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, मैं ये बता देता हूं। देखिए अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है किसी भी कंपाउंड या किसी भी एलिमेंट का, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो कैसा फॉर्म कर जाएगा, वो कैटायन फॉर्म हो जाएगा, वो क्या फॉर्म कर जाएगा, कैटायन फॉर्म कर जाएगा। और अगर किसी भी एलिमेंट का गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो वो क्या फॉर्म कर जाएगा, एनायन फॉर्म कर जाएगा, ठीक है। छोटा सा एग्जांपल कैसे समझते हैं, हम जानते हैं कि किसी भी एटम पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, वो इलेक्ट्रिकली आइसोलेट होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो अगर मैं मान लिया एटॉम नियॉन, मान लिया इसका एटॉमिक नंबर 10 है, तो इस पे 10 इलेक्ट्रॉन होंगे और 10 प्रोटॉन भी होंगे, ठीक है। अगर इसी में से ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 9, और प्रोटॉन कितना बचा, 10, और इलेक्ट्रॉन निकाला मतलब इलेक्ट्रॉन का क्या किया, लूज किया। तो अब आप टोटल देखेंगे इसमें 9 नेगेटिव चार्ज, 10 पॉजिटिव चार्ज, जब दोनों को जोड़ देंगे तो इस पे क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो वही मैंने लिख दिया कि अगर इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो कैटायन का फॉर्मेशन होगा, यानी प्लस चार्ज का फॉर्मेशन होगा, ठीक। इस एग्जांपल को दूसरी तरह से समझा जाए कि भैया नियॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 प्रोटॉन है, अगर ये एक एक क्या कर ले, इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, मतलब एक्सेप्ट कर ले, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन और आ जाए, और जब इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 11, लेकिन हमारा प्रोटॉन कितना रह जाएगा, 10, टोटल नेगेटिव चार्ज 11, टोटल पॉजिटिव चार्ज 10, दोनों को कंबाइन कराएंगे तो उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक। यानी अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो क्या फॉर्म हो जाएगा मेरा, एनायन, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला का ट्रिक था। अब हम लोग उसको अप्लाई करके देखते हैं कि कैसे ये वर्क करता है। आ जाइए देखा जाए कि ये वर्क कैसे करेगा। अब देखिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी ये बोला था कि ZN
plus 2Cl gives ZnCl2, है ना? ठीक है, अब अगर हम देखें कि ये आइसोलेटेड एटम है, अलग एटम है, किसी के साथ कंबाइन नहीं है, तो ये क्या होगा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, और जब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा तो उसमें कोई चार्ज होगा नहीं, कोई चार्ज नहीं होगा, तो Zn पे टोटल चार्ज जीरो। इसी तरह ये क्लोरीन है, ये भी किसी से कंबाइन नहीं हुआ है, यानी ये क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, और जब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो कोई चार्ज होगा नहीं, यानी Cl पे भी जीरो। अब यहां देखते हैं, यहां पे Zn Cl के साथ कंबाइन और Cl Zn के साथ कंबाइन, यानी दोनों के बीच में क्या है? एक बॉन्ड है। तो यहां पे कैसे करें? इनके ऊपर तो चार्ज होगा, जाहिर सी बात है कि भाई कंबाइन है तो चार्ज तो होगा ही होगा। तो इसको कैसे लिखते हैं? Zn की हम ऊपर क्या लिख देंगे? वैलेंसी। हम क्या लिखेंगे? वैलेंसी। इसको हम क्या लिखेंगे? यहां पे वैलेंसी लिखेंगे। तो Zn की वैलेंसी प्लस टू। ये प्लस क्यों है? ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता चुका हूं। क्लोरीन माइनस वन, लेकिन क्लोरीन आखिर में है कितने? दो है, तो माइनस वन इंटू टू माइनस टू। अब आप ये देखो, Zn जीरो से कहां जा रहा है? प्लस टू पे जा रहा है। क्लोरीन जीरो से कहां जा रहा है? माइनस टू पे जा रहा है, यानी जीरो से प्लस टू, इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया? लूज कर दिया। और जब इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है कि जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन, यानी Zn का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। इसी तरह क्लोरीन का देख लेते हैं। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को क्या किया? गेन कर लिया, और जब गेन कर लिया तो इसका क्या हो जाएगा? रिडक्शन। ठीक, ये तो हमारा हो गया वो एग्जांपल जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ना हो। मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसको दोनों मेथड से करके देखते हैं, जिसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन हो और जिसमें, और एक तरीका हमारा ये वाला, देखते हैं क्या आंसर अलग आता है या सेम आता है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। हमने ले लिया सी प्लस ओ टू गिव्स सीओ टू। ठीक, C plus O2 gives CO2। तो हम लोग पढ़ चुके हैं ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन, है ना, और ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन, हाइड्रोजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन रिडक्शन सॉरी। ठीक है, ये हमने पहले से पढ़ रखा है कि ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन जुड़ेगा तो रिडक्शन। अब C plus O2 gives CO2 है, तो यहां पे O के साथ क्या हो रहा है? वो किसके साथ कंबाइन हो रहा है? कार्बन के साथ, यानी कार्बन का क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? रिडक्शन। ठीक है, वैसे इतना सिंपल क्वेश्चन था, ये तुरंत देख के बता दिया, लेकिन अगर टिपिकल क्वेश्चन हुआ, आप नहीं देखा पाए, आप नहीं बता पाए, तो मेरा ट्रिक सबसे इजी होगा। चलिए उस ट्रिक से भी देख लेते हैं। सी और ओ टू, सी पे आइसोलेटेड है, कोई चार्ज नहीं होगा तो जीरो चार्ज। ऑक्सीजन आइसोलेटेड है, कोई चार्ज होगा? नहीं होगा, तो ओ पे भी कोई चार्ज नहीं होगा। अब दोनों जब कंबाइन होके CO2 बनाएंगे, तो मैंने पहले ही बता रखा है कि जो राइट हैंड साइड होगा वो पॉजिटिव होगा, जो लेफ्ट हैंड साइड होगा वो निगेटिव होगा। तो ये क्या करेगा? प्लस फोर बना देगा, और ये माइनस टू इंटू टू इक्वल टू माइनस फोर। अब देखिए सी जीरो से कहां जा रहा है? प्लस फोर पे जा रहा है, और ऑक्सीजन जीरो से कहां जा रहा है? माइनस फोर पे जा रहा है, यानी कार्बन का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन, और इस ऑक्सीजन का क्या हुआ? रिडक्शन। देखिए दोनों में आंसर क्या है? सेम है, बस मेथड अलग अलग है, और मैं इसको आपको ट्राई करने के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं जिसमें ऑक्सीजन ना हो, हाइड्रोजन ना हो, और तब आपको आइडेंटिफाई करना पड़े कि ऑक्सीडेशन किसका हुआ, रिडक्शन किसका हुआ। तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है? ये वाला। ठीक है, आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये नहीं क्लियर होता है तो आप हमको मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करिएगा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारी आती है, वो आती है बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशन, कि किस तरह हम लोग किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं यहां पर कि नेक्स्ट टॉपिक मेरा क्या है, बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशन। ठीक है,
अब देखिए यहां पे हमने लिख दिया बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशन, तो पहला क्वेश्चन अराइज होता है, सर व्हाट इज द नीड ऑफ द बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशन, क्यों हम कर रहे हैं, ऐसा क्या जरूरत है कि हम इसको बैलेंस करने की जरूरत पड़ेगी। तो आप लोग पहले से एक टॉपिक पढ़ चुके होंगे जिसको बोला जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आप लोग ये एक टॉपिक पढ़ चुके होंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये टॉपिक क्या कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, यही कहता है कि मास न तो क्रिएट होगा न तो डिस्ट्रॉयड होगा। अगर आप ऐसे समझो कि मैंने यहां पे ले लिया H प्लस Cl, थोड़ा सा टिप कर लेते हैं, Zn प्लस 2Cl गिव्स ZnCl, अगर मैं ऐसा लिख दिया तो भैया रिएक्ट करते वक्त तो दो क्लोरीन थे लेकिन रिएक्शन के बाद एक हो गया, यानी मास क्या हुआ, यहां पे कितने थे, दो थे, क्लोरीन कितने थे, दो थे, यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं, एक है, यानी एक क्या हुआ, लूज हो गया। लेकिन हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इस वजह से ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, गलत। यही रीजन है हमारा कि हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, ठीक है। अब बैलेंस कैसे करते हैं ये भी देख लेते हैं। तो बैलेंस करने के लिए क्या करना होता है, हम लोग जो मेथड पढ़ेंगे उसको हम लोग बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड, हीट एंड ट्रायल मेथड। इस मेथड में क्या है, कुछ नहीं है, बहुत इजी सा मेथड है, बस पहले क्या करना है आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मेटल को बैलेंस करना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा कि मेटल कौन सा है और उसको पहले बैलेंस करना पड़ेगा। सेकंड केस में क्या करेंगे, नॉन मेटल को बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक। थर्ड केस में क्या करेंगे, थर्ड केस में हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे और फोर्थ में हम लोग फिर बचा हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे और हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। पहले क्या करेंगे, पहले मेटल बैलेंस करेंगे, फिर क्या करेंगे, नॉन मेटल बैलेंस करेंगे, फिर ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर एक क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, एक क्वेश्चन लूंगा जिसमें इस एक चार्ट बनवाऊंगा, क्योंकि बोर्ड्स में क्या करते हैं बच्चे ऐसे लिखते हैं जैसे Zn प्लस यहाँ पे दे दिया उनको ZnCl गिव ZnCl2, तो वो डायरेक्ट यहाँ पे 2 लगा देंगे और कह देते हैं बैलेंस हो गया, पर इस पे नंबर उनको नहीं मिलेगा, उनको क्या बनाना होगा, एक प्रॉपर चार्ट बनाना पड़ेगा, चार्ट में दिखाना पड़ेगा कि रिएक्टेंट साइड क्या था, प्रोडक्ट साइड क्या किया, कि ये 2 हुआ, वो इस तरह से एक चार्ट बनाना पड़ेगा। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में वो चार्ट आपको बनाना सिखाऊंगा और एक दो क्वेश्चन भी बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशन पे कराऊंगा। थैंक यू।